हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि। सो बेसिकली इस वीडियो में हम धन ऐप के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है, और जिसका नाम है कॉर्पोरेट एक्शंस एंड न्यूज। एक और फीचर है इसमें आईपीओज के बारे में भी हम समझ सकते हैं, लेकिन वो हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अभी इस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट है वो कॉर्पोरेट एक्शंस एंड न्यूज वाला फीचर है, जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ एक और वीडियो आपको मिलेगी, दो तीन दिन में ही मिल जाएगी। उसमें मैं आपको लाइव इस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से उस फीचर के थ्रू मैंने इसमें जो है अपना एक जो ट्रेड है वो प्लान किया, और किस तरीके से उसका लॉस प्रॉफिट ऑलरेडी डिसाइडेड था, वो आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस एंड न्यूज के बारे में। अब इसमें क्या करना है, आप मार्केट ऑप्शन पर जाओगे, उसके बाद यहां पर जाके आप कॉर्पोरेट एक्शंस में जाओगे। अब कॉर्पोरेट एक्शंस का क्या मतलब है कि यानी कोई भी जो कंपनी है वो किस तरीके से अपने आने वाले टाइम में अपना जो है एक्शन लेने वाली है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने वाली है, कोई भी अगर बायबैक आ रहा है उसके बारे में, अगर कोई राइट इशू आ रहा है, डिविडेंड का इशू आ रहा है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको इस फीचर में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर और यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और अगर आप जॉब वगैरह भी करते हैं, जॉब नहीं भी करते हैं, सो आपको जो है अगर एक पूरा डेटा चाहिए कि भाई आज क्या क्या हुआ, कौन कौन सी नई कंपनीज किस किस तरीके से डिविडेंड लाने वाली, क्या डिविडेंड आएगा, क्या बायबैक आ रहा है, किस कंपनी का क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सी कंपनी क्या करने वाली, तो इस तरीके से आप कॉर्पोरेट एक्शंस पे यहां पे फीचर पे आके और सारा एक बार गो थ्रू कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगी इस चीज को गो थ्रू करने के लिए। जैसे हम कॉर्पोरेट एक्शंस पे गए, यहां पे ऑल स्टॉक्स पे गए, अगर आज 12 अप्रैल है तो 12 अप्रैल को आप देखोगे इंडिया फ्यूचर ट्रस्ट का, वरुण बेवरेजेस का, ये बहुत अच्छा स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, नेस्ले इंडिया काफी अच्छा स्टॉक है, विशाखा इंडस्ट्रीज है। अब इन्होंने क्या करा है, अपना आईपीओ लॉन्च किया है यहां पर, सॉरी यहां पे अपना डिविडेंड दिया है विशाखा इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए का एक शेयर पर, वरुण बेवरेजेस ने एक शेयर पर 1 रुपए का दिया है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये भी बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, मैं आपको आगे बताऊंगी कुछ टाइम में। सो यहां पर इसने डिविडेंड दिया है। अब जो 13 अप्रैल को जो होने वाला है, जैसे इमामी है, इसने अपना बायबैक लिया है, तो बायबैक का जो इम्पैक्ट है वो भी मार्केट पर पड़ता है। एडलवाइस जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हमारी एएमसीज होती है, वही हमारी एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, ठीक है, तो इन्होंने अपना डिविडेंड लॉन्च किया है, यहाँ पर इन्होंने राइट इशू किया है, गुड लक ने अपना डिविडेंड लॉन्च किया है, 14 को कन्फ्रंट इन इन इंटैक ने यहाँ पर अपना स्प्लिट बताया है कि एक शेयर किसी के पास है तो यहाँ पर वो 10 में स्प्लिट वाला यहाँ पर इन्होंने बताया, यहाँ पर भी स्प्लिट बताया, तो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस है जो आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब इन पोर्टफोलियो में इस टाइम पर यहां पर मेरा पोर्टफोलियो मेकिंग नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आपको वो दिख जाएगा और वॉच लिस्ट में आप यहां पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मैंने नेस्ले इंडिया ऐड कर लिया, सो यहां पर आपको दिखेगा ये एलटीपी है, ये चेंज है, ये चेंजेस है, और एनुअल जनरल मीटिंग है, इसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। बट अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप पहले से ही जो है आगे तक का प्लान कर लेते हो, जैसे मुथूट फाइनेंस के बारे में आपको जानना, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और फिर यहां पर जाकर आप जो है एकदम से बिना टाइम वेस्ट करे अपना ये जो सारा फीचर है वो इसमें देख लोगे। सो ये फीचर इसका बेस्ट है और आपको 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट से भी कम लगेगा सारा चीजें चेक करने के लिए, और आप इस तरीके से अपडेट रह सकते हो। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।